फिलहाल चाय का तो कुछ ये हाल है कि ये होने ही वाली है, थोड़ी सी रह गई है बिल्कुल बस। तो फिलहाल जो है गैस ही नहीं आ रही ना, गैस बहुत स्लो आ रही है, तो उस वजह से जो है। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपके भाई हो चुके हैं मॉर्निंग, और अभी अभी जस्ट सो के उठा हूँ और लाइट वगैरह आई है। सो के तो खैर मैं 1 बजे उठा था, लेकिन लाइट अभी आई है 2 बजे। तो मैंने ब्लॉग जब स्टार्ट करा कि चाय वगैरह बनाने रख दिया, और वही सूरत हल्की तरह जो है गैस बहुत स्लो आ रही है। सामने बारिश शुरू हो चुकी है, ये फर्श जो है ना ऊपर से पूरा खुला हुआ है। सामने किचन है ये वाला कमरा और बराबर वाला कमरा, बाकी ऊपर से ना पूरा फर्श जो है खुला हुआ है। तो ये बारिश की कतरे आप देख ही रहे हो, ये बारिश वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है। तो सीन ये है कि अभी टाइम हो चुका है 2:05, जस्ट मैं बस फ्रेश हूँ। 2:10 कम से लाइट आई थी, मैं फ्रेश होकर बस बिल्कुल रेडी वगैरह हो चुका हूँ। अभी जो है सबसे पहले पानी वगैरह पीता है, ताकि जो है थोड़ा सा, यार ये छोले रखे हुए मेरे और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पराठा लाने की नाश्ते में, बस इस वजह से जो है ना ये छोले अब पड़े रहेंगे और मैं रात में खाऊंगा, क्योंकि वजह उसकी यही है। तो क्या हो गया, खुली नहीं रही, इसको खोल के मिलता है। सुबह फाइनली पानी वगैरह पी लिया, तो अब जो है चलते हैं चाय को देखते हैं, और थोड़ा सा ये जो है समेटते हैं, फिर जो है हम चलते हैं और चाय वगैरह को देखते हैं। चाय हुई है या अभी तक नहीं हुई? फिलहाल चाय का तो कुछ ये हाल है कि ये होने ही वाली है, थोड़ी सी रह गई है बिल्कुल बस। तो फिलहाल जो है गैस ही नहीं आ रही ना, गैस बहुत स्लो आ रही है, तो उस वजह से जो है हमारी चाय अभी तक रेडी नहीं हुई है। तो फिलहाल इसके रेडी होने का वेट करते हैं, और अपने रिवायती अंदाज में चम्मच उठाते हैं और चम्मच मारते हैं। सबसे पहले चम्मच को थोड़ा सा कूलर से खंगाल भी लेते हैं, क्योंकि तो कूलर में मिनरल वाटर भरा जाता है हमारे, जो कि हम लोग पीते हैं। बाकी घर में जो मीठा पानी आता है वो हम लोग नहीं पीते, तो हम लोग मिनरल वाटर ही पीते हैं। तो ये है कि पठान वाले अंदाज में, अच्छा ऐसे चाय मिक्स करने से ना क्या होता है, पत्ती अच्छी मिक्स हो जाती है। कल मैं पठान के होटल पर खड़ा हुआ था, मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया, मैंने भाई चम्मच मारना ज़रूरी है, उसने बोला अपने काम से काम रख भाई, मैंने फिर भी बताओ तो, उसने बोला पत्ती अच्छी मिक्स हो जाती है इसमें ना, मैंने बोला चलो वैसे ये तो है, पत्ती मिक्स तो हो जाती है अच्छी। तो फिलहाल जो है चाय वगैरह रेडी करते हैं और दैन फिर नाश्ते पर बैठते हैं। तो यार फिलहाल सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार अभी जो है फिलहाल लाइट वगैरह आ चुकी थी, नाश्ता वगैरह रेडी कर लिया माशाल्लाह माशाल्लाह से, पूरे 20 मिनट में चाय तैयार हुई है। एक कप, बस एक कप चाय में 20 मिनट लग गए, और नाश्ते में साथ हमारे पास डबल रोटी और बिस्किट है। तो आज का नाश्ता काफ़ी लाइट है, तो आपका भाई डाइट पे है, तो फिलहाल अभी जो है कम कम चीज़ें ही खा रहा है, ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादातर गुलाब जामुन है, तो पहले जो है 6-7 खाते थे, अब सिर्फ 6 खा रहे हैं, ये सीन है। तो जो है थोड़ी बहुत डाइट वगैरह कर रहे हैं, ये है बोतलें वगैरह, पहले दिन में 3-4 पीते थे, अब 2-3 कर दिए हैं भाई, यही डाइट कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। और खाने की जहाँ तक बात है, जो मिल जाए भाई पराठे ये वो फलाना सब खा रहे हैं। वो मैं मानता हूँ डाइट में पराठे नहीं खा सकते, लेकिन हमारी डाइट में ऐसा ही होता है, हमारी डाइट हमारी मर्जी। तो फिलहाल अभी नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे के सीन्स क्या है। सो यार फाइनली रेडी वगैरह हो चुका हूँ, मैं शूट वगैरह करता था, शूट का सामान ये रखा हुआ, दाढ़ी वगैरह ये कपड़े वगैरह। तो शूट वगैरह खैर मुकम्मल हो चुका है, आज मेरे शूट पे एक्सपेंस हुए दाढ़ी वगैरह के पैसे, और 1-2 चीज़ों के ऊपर मेरे पैसे एक्सपेंस हुए, लेकिन खैर वाली बात है। अभी 4:45 हो चुके हैं, फिलहाल मैं फार्मेसी के लिए 4:45 तक ही चलता हूँ, लेकिन आज जो है थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि ये घड़ी 5-10 मिनट पीछे चल रही, मुझे शूट मुकम्मल करना था आज लाजमी, जो मैंने बोला था कि यार मुझे शूट करना है शूट करना है शूट करना है। तो अब आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा मेरे सेकंड चैनल पर आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ आ ही रही हैं, कुछ भी है लेकिन जो भी होता है आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ आ रही हैं। तो उसके लिए मेहनत करने के लिए ना मैं अकेला हूँ, ना मेरा कोई भाई बहन है, पापा ऑफिस में होते हैं, मामा है नहीं, तो मैं अकेला ही सारे काम करता हूँ, एडिटिंग व्लॉगिंग वीडियो क्रिएशन कंटेंट लिखना। मैंने ये रजिस्टर है, ये मेरे कोचिंग का रजिस्टर था, कोचिंग का काम सिर्फ ये हुआ हुआ है इतने टाइम इतने इसमें ना, ये अपना इतना, हाँ इतना ही ले लो, ये बस ये काम हुआ हुआ सिर्फ कोचिंग का लास्ट तक ये, बाकी ये जो है ना ये सब लिखा हुआ है कंटेंट। तो ये सीन है, कुछ क्वेश्चन आंसर लिखता हूँ मैं, कुछ कुछ लिखता हूँ, फिर मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार लिखती है ना, फिर उसको मैं शूट करता हूँ, फिर दोबारा इसी तरीके से लिखता हूँ, फिर जो अच्छी लगती है फिर उसे शूट करता हूँ,
तो अभी बीच में मैंने एक्सपेरिमेंट वीडियो डाली, दी बॉयज डाली, फूड रिव्यू डाला, और भी एक वीडियो डाली थी अनवलिदा वाली, अभी चैलेंज सोच रहा हूँ अपलोड करने का और वीडियो में। यानी काफ़ी क्रिएशन चल रही है, बस तुम लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिलहाल यानी बस तुम लोग इसी तरीके से प्यार दिखाते रहो, मेहनत तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक ना एक दिन रंग लाएगी वो मेहनत। अभी निकलते हैं फार्मेसी के लिए, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। फिलहाल जो फार्मेसी साहब कभी आ चुके हैं घर पे, आज फार्मेसी वगैरह मैंने ब्लॉग इतना नहीं बनाया क्योंकि वजह उसकी ये थी कि जो है फार्मेसी में आज काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बंदे कम थे, काम बहुत ज़्यादा था। कल इतवार के आपके भाई की छुट्टी है, तो कल है संडे, तो कल संडे को हम बनाएंगे अपना फंडे। लेकिन कल मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे कामों में शुमार है। आज जो शूट हुआ है उसको एडिट करना, उसके बाद उसका थंबनेल बनाना, फिर आज वाला ब्लॉग एडिट करना, उसका थंबनेल बनाना, क्योंकि अब मेरी हिम्मत डाउन हो चुकी होती है। अब मैं खाना खा के सीधा थोड़ा मोबाइल यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं होती कि मैं कुछ और वीडियोस वगैरह एडिट करूँ, या मैं ना मेरा दिल वगैरह भी जो हकीकत बात है कि उस टाइम नहीं कर रहा था, थकान फील हो रही होती है। तो फिलहाल जो है पराठे वगैरह ये लटके हुए, तो पराठे उठाते और वो रहे हमारे छोले जो कि कल आए थे और मैं आज खा रहा हूँ। और फिलहाल अभी ये जो है गर्म वगैरह हो चुके हैं VVIP, तो फिलहाल अभी पराठे और छोले बैठ के मंडते हैं। इससे पहले तो पानी पी लें, प्यास बहुत लग रही है। तो फिलहाल पानी खोलिए, बोतल खोलिए। पानी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार पीना, क्योंकि फार्मेसी में हम लोग इतना नहीं पीते। वजह उसकी होती है कि पेशेंट वगैरह आ रहे होते हैं तो कामों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि पानी वगैरह इतना नहीं पी पाते। जब फ्री टाइम होता तो फ्री टाइम होता, कम अज़ कम ऐसी जो है ना 7 से 8 बोतलें पीनी चाहिए रोज़। लेकिन हम लोग पीते हैं बहुत कम। तो फिलहाल जो है घर आके आपका भाई बच्चा बन जाता है, बिल्कुल सारे काम पापा, और वैसे मैं दिन में सारे काम खुद करता हूँ, ऐसा कि तुम लोगों को दिखता ही है। लेकिन जो है घर पे आने के बाद फार्मेसी से खाना वगैरह पापा निकल के देते हैं, और भी जो एक्टिविटीज़ होती है पापा ही करते हैं। तो फिलहाल जो है अब सीन यह है कि बैठते हैं खाने के लिए। टाइम इस टाइम हो चुका है 1:45, फार्मेसी से भी लेट आया हूँ, तो ये चीज़ है मेरी फेवरेट। फिलहाल खाना वगैरह खाते हैं और यहीं पे मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को एंड। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मेरा दूसरा वाला चैनल जो है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो अंजा एक्स्ट्रा के नाम से, ताकि तुम लोगों को जो है अच्छी अच्छी और मज़ेदार वीडियोज़ कॉन्टेंट वाली मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।